हमारा जो सीक्रेट फॉरेस्ट का जो ट्रिप था, ट्रेकिंग था, वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, निकल चुके हैं हम सीक्रेट फॉरेस्ट से। तो ये है खासी उपजाति का घर, एकदम पत्थर से बना हुआ है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैनल? इट्स अ ट्रिपोहोलिक। आंटी जी ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट जो है वो प्रिपेयर कर दिया है। डेविड स्कॉट ट्रेल का ट्रेकिंग हम शुरू करने जा रहे हैं और हमको मिल गया है पहाड़ी का नज़ारा। अरे बंसन जी इन्फॉर्मेशन दे रहा था मेघालय के बारे में, तो सितंबर अक्टूबर आई थिंक ना? या इन मंथ्स ऑफ सितंबर इट्स मींस अ लेस ऑफ रेन, सो इट्स लशली ग्रीन एंड मोर वाटरफॉल्स। ओके, सो इन मंथ्स ऑफ फरवरी मार्च इट्स वेरी नाइस टू सी द क्रिस्टल क्लियर वाटर। ओके, बिकॉज इन द मिडल ऑफ समर लाइक सितंबर इट्स नॉट क्लियर द वाटर, बिकॉज इफ इट हैवी रेन सो यू विल नॉट गेट टू सी दैट क्रिस्टल क्लियर वाटर। ओके ओके ओके, तो जैसे उन्होंने बताया कि सितंबर अक्टूबर महीने में आप आइए या फरवरी में आइए, उस महीने में आने से आपको जो नज़ारा जो है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। मैंने जैसे अभी अप्रैल में आया हूँ मैं, मगर अप्रैल में भी अच्छा ही है नज़ारा जो है आपको भी देखने को आ रहा है। और यहाँ पे दूर में एक नदी देखने को मिल रहा है, वो दिख रहा है आपको, और वो रिवर हम क्रॉस करेंगे। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है जैसे मैं भूटान में गया था, जब पता नहीं क्यों मेघालय में आके बार बार भूटान का नाम आ रहा है ज़ुबान पे। भूटान में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब हम टाइगर नेस्ट गए थे, मैं और मेरा एक दोस्त, मेरा भाई, अगर मेरा भाई दोस्त अभिषेक दा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब मारो और कमेंट करो, ठीक है। तो जब मैं गया था थिम्पू, वहाँ पे टाइगर नेस्ट, थिम्पू नहीं है वो पारो में है, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। ट्रेकिंग करके हम लोग गए थे और बहुत ही ऊँचा पहाड़ था, लगभग 3-4 घंटा हमने चढ़ाई किया, फिर टाइगर नेस पहुँचे, और टाइगर नेस से जब हम लौटे तब भी लगभग 3-4 घंटा लग गया। तो टोटल 8 आवर्स, लगभग 6-8 आवर्स वी हैव ट्रैवल्ड, वी हैव क्लाइम्ड अप। मगर यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टाइगर नेस्ट अगर कोई मेरा व्यूअर्स जो है, आप कोई अगर टाइगर नेस्ट गए हो तो रास्ता जो है वो टाइगर नेस्ट से काफ़ी अच्छा है, इसका इस जगह का रास्ता क्लीन रास्ता है, स्लिपरी है नहीं, अभी फ़िलहाल स्लिपरी है नहीं, आप आसानी से आ सकते हो। हमारे जो ट्रेकिंग गाइड जो भाई साहब है मिस्टर बंसन, वो तो ऐसे ही चप्पल में आ गए, देख सकते हो आप। बारिश जो है अभी बंद हो चुका है, थोड़ा बहुत आ रहा है, ड्रिजलिंग हो रहा है, मगर ठीक है। और इस साइड में देखिए आप नज़ारा, इसको कहते हैं नज़ारा, दिख रहा है आपको क्लाउड्स ऑल ओवर द हिल्स। मेघालय का जो हिल्स है वो इतना ऊंचा है नहीं, पूरा मेघालय में जो शिलोंग पीक है वो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, एंड शिलोंग पीक का हाइट है 1961 मीटर। तो अगर आप कंपेयर करोगे एवरेस्ट के साथ, उसका हाइट कितना है 8848 मीटर, तो बहुत ही छोटा है। मगर ट्रेकिंग करने के लिए और ये जगह को घूमने के लिए अगर आप पेड़ पौधे, ग्रीनरीज, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ों का अगर आपको इंटरेस्ट है, ट्रेकिंग एडवेंचर, तो ये मेघालय बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होने वाला है आपके लिए। और डेविड स्कॉट ट्रेल तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेकिंग करने का जो मज़ा है वो शायद आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना? आएंगे क्या आप इस जगह में? ये यह है यहाँ का रास्ता, तो आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो, आप अगर आपके साथ छोटा बच्चा भी है तो भी आप आ सकते हो, इतना कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, मतलब कि रास्ता सेफ़ है।
और चढ़ाई करने के लिए या वॉकिंग करने के लिए या ट्रेकिंग करने के लिए काफ़ी आरामदायक है। यहाँ पे आप देखो एक चीज़ है, जो पाइन जो ट्री है ना, इनका जो लीव्स है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, और जो लीव्स एक्चुअली वो भूरा हो चुका है, रेड कलर का हो गया है, और जो अभी नया नया ग्रो कर रहा है अभी, तो वो जो लीव्स है वो ग्रीन कलर का है। बहुत देर से ऐसे ही बातें किया जा रहा था और देखा कि कैमरा जो है वो ऑन नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, पहले भी शायद बता चुका हूँ मैं, मगर फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, यहाँ पे जब आप ट्रेकिंग करने के लिए आ रहे हो तो तीन चीज़ों का आप साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। एक जो है वो है छतरी, अम्ब्रेला, दूसरा जो है वो पानी का बोतल ज़रूर रखिए, और तीसरा जो है यहाँ पे नीचे एक रिवर है, रिवर में अगर आपको नहाना है तो फिर आपको टॉवल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगा सूखने के लिए, तो टॉवल्स भी रखिए साथ में, और अगर बारिश आ गया तेज़ी से तो भीग गए अगर आप, तो सूखने के लिए भी टॉवल्स का ज़रूरत होता है। और अगर आपको चढ़ाई करने में या वॉकिंग करने में थोड़ा दिक्कत है तो डॉक्टर ने जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया जो मेडिसिन वगैरह, सांस लेने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखिए। यहाँ का जो ग्रास है ना, यहाँ पे रोड में उसके ऊपर ड्यूज पड़ा हुआ है, हमारा पोएट रवि ठाकुर का, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका एक पोएम याद आ गया, बहुत ही खूबसूरत सा पोएम था बंगाली में। यहाँ पे पाइन ट्रीज बहुत है, चारों तरफ पाइन ट्रीज, और एक अलग किस्म का पेड़ है जो यहाँ पे बहुत दिखने को मिल रहा है, पता नहीं नाम क्या है, कोई लोकल होगा, लोकल ट्रीज। यहाँ का जो लोकल गाइड्स है, अगर आप उनको लेते हो गाइड के तौर पे, तो उनका चार्ज है लगभग 1500, जो फिक्स रेट है यहाँ का जो कम्युनिटी है इन लोगों का। वाव, तो दिख रहा है आपको बहुत ही सुंदर सा जगह है ये, एक नीचे वैली है और नीचे से एक रिवर आई थिंक दैट इज़ फ्लोइंग नीचे से, और वो रिवर को क्रॉस करके हम जाएंगे उस तरफ। व्हाई द नेम इज़ डेविड स्कॉट ट्रेल? David Scott, he's a British. Okay. He's an administrator during British rule. Okay. Yeah, so like during British rule, Meghalaya is a part of Assam. Okay. So this trail, it's from Assam to Bangladesh, Sylhet. So through our village, Chirapunji and all. So British army at the time, they used this trail for their, you know, at the time when they rule India, so transportation, they use this trail. This trail. Like this is a horse trail actually. Okay. It's a horse car. Okay. For bullock horses. Bullock carts. वेदर कंफर्टेबल है इसलिए आप आसानी से कर सकते हो ट्रेकिंग। यहाँ पे देखिए पत्थर वगैरह जो है ना देखने को मिलेगा, देखिए लोकल पत्थर, तो ध्यान रखिए क्योंकि फिसल सकते हो आप या चोट लग सकता है। तो ये है एक टर्निंग पॉइंट, एकदम सुनसान सी जगह है ये। ट्रेकिंग गाइड लेने का एक कारण ये भी है, अगर आप पकड़ लो सोलो ट्रैवलर हो या अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो एक या दो आदमी, तो क्या है कि ये जगह में एकदम सुनसान सी जगह, तो आप बहुत ही लोनली फील कर सकते हो, और अंदर एक होता है ना एक डर, क्योंकि इस जगह को हम जानते नहीं हैं, वी आर न्यू इन दिस प्लेस, सो एक डर अंदर में रहता है। अच्छा रहता है एक गाइड, अगर आप लोकल गाइड अगर आप ले लो तो उनको तो पता होता है ये सब चीज़ों के बारे में। ये जो फॉरेस्ट है मेघालय का, ये रेन फॉरेस्ट है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया लास्ट वीडियोस में कि सीक्रेट फॉरेस्ट जो था माउफलैंग में, तो माउफलैंग का जो सीक्रेट फॉरेस्ट था वो भी रेन फॉरेस्ट था, और ये भी डेविड स्कॉट ट्रेल, हालांकि ये दोनों पास में ही है 10 या 15 मिनट की दूरी में,
तो ये भी रेन फॉरेस्ट ही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी ख्याल आया, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो शूज़ का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि ये जो जब भी आप ट्रेकिंग करोगे, ठीक है ना, तो शूज़ जो है उसको ग्रिप जो है उसको अच्छा होना चाहिए। अगर आप फ्लैट शूज़ पहन के आते हो तो शायद आपको इतना अच्छा ग्रिप नहीं मिलेगा, तो आप फिसल सकते हो। और अभी हमारा सूरज मामा जो है, सूरज को चाचा बोला जाता है या मामा, जो भी है, तो वो निकल आए हैं। और गर्मी लग रहा है यार, क्योंकि इसके नीचे मैं और दो तीन टी शर्ट्स पहन के रखा हुआ हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं निकला था तब टेम्परेचर बहुत ही कम था और बहुत ही ठंड लग रहा था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मोबाइल का टावर भी आ रहा है, एक कमाल का चीज़ है। इस जगह में थोड़ा इंसेक्ट्स है, फ्लाई वगैरह है, नो मॉस्किटो इज देयर, मॉस्किटो नहीं है मगर थोड़ा इंसेक्ट्स यहाँ का शायद कुछ होगा, फ्लाई वगैरह जो उड़ रहा है यहाँ पे मुंह में आ रहा है, तो हो सके तो गॉगल्स भी लगा के आइए, बेहतर रहता है। और यहाँ पे जो जगह है बहुत ही साफ़ सुथरा है, मगर कहीं कहीं पे बोटल्स का कैप और कुछ पॉलीथिन्स वगैरह फेंका हुआ है। आई थिंक जो ट्रैवलर यहाँ पे पहले आए थे उन्होंने शायद यहाँ पे फेंका है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि देखिए ये सुंदर सा जगह है ना, सुंदर है इसीलिए हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओगे तो ऐसे यहाँ वहाँ चीज़ फेंको मत, साथ में कैरी करो। आप साथ में ही लाए थे, पॉकेट के अंदर या बैग के अंदर रख के, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब भी आप कैरी करो। और बाहर में जाके जब डस्टबिन दिखे तो वहाँ पे जाके आप फेंक दो। तो ये एक झरना जैसा कुछ है, पानी फ्लो हो रहा है यहाँ से, पत्थर वगैरह है यहाँ पे। ये मेरा पहला ट्रेकिंग है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ ऐसा होता है ना कि जो अंदर से आपको अच्छा लगता है, यू फील ग्रेट। तो ये जो एडवेंचर है या ये जो चीज़ आप कर रहे हो अभी, आई डोंट हैव सफिशिएंट वर्ड्स टू टेल दैट, बट आई एम फीलिंग ग्रेट। कभी कभी होता है काम, ठीक है ना, रात दिन काम, हम बन जाते हैं मशीन्स। तो यहाँ पे जब हम आते हैं और ऐसा काम जब हम करते हैं तो लगता है यार हम भी है ह्यूमन बीइंग, इंसान हैं हम, मशीन्स नहीं हैं। अभी देखिए हमको यहाँ से क्या है कि वो नीचे जो रिवर जा रहा है ना, बह रहा है, उसका जो साउंड्स है, उसका जो आवाज़ है वो यहाँ से आ रहा है। ऐसा होता है जो पहाड़ी जो रिवर्स होता है, जो हिली रिवर्स जो होता है, तो वो जब बहता है तब बहुत ज़ोर से शोर होता है। ये रिवर जो पहाड़ी एक नदी है जो बह के जा रहा है यहाँ से। हमारा जो पलटन है वो थोड़ा आगे निकल गए हैं हमसे, और मैं वीडियो और पिक्चर लेने के चक्कर में थोड़ा पीछे रह गया हूँ। तो चलिए जल्दी चलते हैं, कुछ देर में हम भी इस नदी को पार करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा रिवर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिवर? दिस इज़ उमियो। व्हाट? उमियो, UMIEW, उमियो। खासी लैंग्वेज में है ये रिवर का नाम, लोकल नेम। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज, यू कैन सी दैट, ये है वो ब्रिज। तो पहला वाला जो ब्रिज था इस रिवर के ऊपर वो टूट गया था, तो अभी ये नया बना है, सेकंड ब्रिज 2012 में बना है, मगर इसका भी हालत इतना अच्छा है नहीं, मगर ठीक है, चला जा सकता है यहाँ पे। ये हैंगिंग ब्रिज है, तो ये आप जब इसके ऊपर से जाओगे तो ये ऐसा रिदम में मूव करेगा, तो डरिए मत, चलते जाइए। और नीचे के तरफ मत देखिए, जिसको हाइटोफोबिया है, जिन लोगों को, तो नीचे के तरफ मत देखिए, बस चलते जाइए। और ये है नज़ारा, लगभग मिडिल पॉइंट पे है हम, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम निकल चुके हैं इस ब्रिज से,
और सामने की तरफ अभी हमको जाना है। ऊपर में भी है रोडोडेंड्रॉन का एक पेड़ जहाँ पे आपको फ्लावर्स देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे भी है कुछ फ्लावर्स। ये देखिए, दिख रहा है आपको? आई डोंट वांट टू प्लक। मैं जो है फूल ऐसे पेड़ से बिखर के लेने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए, ये जो पत्थर है ना, ये मतलब कि रिवर जब बहती है इसके ऊपर से तो एक कट गया है, तो समझिए कितना करंट होता है रिवर में। सीक्रेट फॉरेस्ट बोलिए या ये डेविस कॉट ट्रेल, इस जंगल के अंदर आपको कोई हाउस या लोकल्स का कोई बस्ती आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। दार्जिलिंग या कालिम्पोंग इस जगह में जहाँ पे ऐसा पहाड़ आपको देखने को मिलता है, इस तरीके का पहाड़, तो वहाँ पे आपको दूर दूर में अगर आप गए हो कभी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे ये सब जो पहाड़ है ना दूर दूर में, वहाँ पे छोटा छोटा घर आपको देखने को मिल जाता है। मगर यहाँ पे मेघालय का इस रीजन में डेविस कॉट ट्रेल जो ईस्ट खासी में है, ईस्ट खासी हिल्स, वहाँ पे मुझे अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। यहाँ पे ग्रीन कलर सॉरी ब्लू कलर्स का कुछ रखा हुआ है, पॉलीथीन्स वगैरह, शायद खाद बना रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा जगह है, ये छोटा सा रिवर यहाँ से बह के गया है और ये जो है वैली है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। कुछ लोगों का आवाज़ आ रहा है, शायद यहाँ पे है कोई लोग। अच्छा है, शायद कोई टूरिस्ट या ट्रैवलर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा जगह है, दिख रहा है आपको? हाय, हेलो। तो ये जो है पत्थर का जगह है एकदम, और इसके अंदर से रिवर जो है वो बह रहा है, और कुछ लोकल्स है वहाँ पे जो शायद कुछ आग वगैरह जो है वो जला रहा है वहाँ पे। अभी हम इस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और रिवर को क्रॉस करके हम जाएंगे उस तरफ। यहाँ से अभी 3 आवर्स हमको और लगेगा। वहाँ पे हमको और 2 ट्रैवलर मिले थे, वो लोग उस साइड से मतलब के जहाँ पे हमारा एग्ज़िट पॉइंट होगा वहाँ से वो लोग एंट्री किया, तो वो भी कपल्स है, गोवा से थे, तो वो लोग वहाँ से एंट्री किया और अभी माओफ्लैंग विलेज जहाँ से हम एंट्री किए हैं वहाँ पे जाएंगे। ओह, मैंने रॉन्ग साइड जाना शुरू कर दिया था। अभी 3 घंटा और लगेगा, अभी जो है हमको चढ़ाई करना पड़ेगा, जो होता है बहुत ही दिक्कत भरा काम अगर आप पहाड़ में चढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होगा। अब तक तो हम क्या किए थे, हम डाउन की तरफ आ रहे थे तो आसान होता है, मगर चढ़ाई करना दिक्कत हो जाता है, सांस फूल जाता है। यहाँ पे चढ़ाई करते हुए थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि कुछ कुछ झरना का पानी जो है यहाँ से गुज़र रहा है, तो क्या है रास्ता जो है वो बहुत ही स्लिपरी है। और अभी हम क्लाइंबिंग अप कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, तो इसलिए सांस भी फूल रहा है, यू नो, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे करके चलेंगे और अगर ज़रूरत पड़ा तो कहीं पे थोड़ा बैठ के रेस्ट भी ले लेंगे। ऐसे करके हमको 3 किलोमीटर जाना है। ये जो चढ़ाई है ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर आप में से किसी को एस्मा हो या कोई सांस का कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो ब्रीदिंग का, तो आप अपने साथ मेडिसिंस जो स्प्रे आपको दिया जाता है डॉक्टर ने आपको जो दिया है वो ज़रूर कैरी कीजिए। और दूर से जो पंछी का जो आवाज़ यहाँ पे आ रहा है, आई थिंक यू कैन ऑल्सो हियर दैट, है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी बहुत क्लाइंबिंग अप कर चुके हैं हम, अभी पता नहीं है और कितना दूर जाना पड़ेगा। शुरू करने से पहले तो हमारा जो ट्रेकिंग गाइड है बंसन साहब, उन्होंने बताया कि 3 किलोमीटर हमको क्लाइंबिंग अप करना पड़ेगा, कर भी चुके हैं शायद 2-3 2.5 किलोमीटर तो क्लाइंबिंग अप कर ही चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ये नज़ारा, पाइन
पाइन के पेड़ है ये सब, और दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र में आ रहा होगा, और यहाँ पे रोडोडेंड्रोन का फ्लावर। यहाँ पे भी शायद कोई रास्ता है जाने के लिए, मगर हम इस तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, रुकने का कोई सवाल नहीं क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। अभी यहाँ से एग्ज़िट होके हम चलेंगे चेरापूंजी। हमारा कैब जो है एग्ज़िट पॉइंट में हमारे लिए वेट कर रहा है, लगेज भी उस कैब में ही रखा हुआ है, तो कैब्स हमको ड्रॉप करके एंट्री पॉइंट में ड्रॉप करके फिर एग्ज़िट पॉइंट में चला गया, और वहाँ से हम कैब लेके चले जाएंगे चेरापूंजी। चेरापूंजी में हमारा होम स्टे आज बुक्ड है। आप जब इस तरह का पहाड़ चढ़ाई जब आप करोगे तो अपना जो लगेज है, जो बैग्स है, वो कोशिश करना आप सामने की तरफ लेने के लिए। मैंने एक्चुअली लिया नहीं है, मेरा लगेज का वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। लिया इसलिए नहीं है क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ इसलिए, मगर आप ले लीजिएगा क्योंकि इसमें चढ़ाई करने में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो अभी आते आते बंसन भाई साहब से मेरा बातचीत हो रहा था, तो जैसे वो बता रहा था कि यहाँ पे अभी खासी जो डिस्ट्रिक्ट है, खासी में लगभग 55 किंगडम, सो 55 किंग्स आर अवेलेबल हियर राइट नाउ। तो एक्चुअली ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स चलता है, मगर ये जो गांव है, एक गांव है, एक गांव का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो किंग्स होता है। तो एक किंग जो है एक एक जगह को रूल करता है। लगभग 12 किलोमीटर्स लगभग 12 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक। और ये देखिए शायद बारिश के वजह से ये जो यहाँ का जो मिट्टी है वो धस चुका है। थोड़ा भूख लग रहा है। क्लाइंबिंग आपका जो पोर्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 किलोमीटर्स, और अभी प्लेन है ये जगह, पास में ही एक गांव भी है, खांसी का गांव हमको दिख रहा है यहाँ से। तो भूख लग चुका है थोड़ा बहुत। तो ये है स्ट्रॉबेरी जो हम कल खरीदे थे, एंड दीज आर ब्लैकबेरीज। हम कल हाँ रसबेरी भी है, रसबेरी जो भी है। तो जैसे हम कल खरीदे थे, अगला पहला वीडियो में मैं आपको दिखाया था, ऊपर लिंक पे चेक कीजिए, शायद आ गया होगा बटन। तो मार्केट से ख़रीदे थे, बहुत ही सस्ता है यहाँ पे। 90 रुपीज़ में हमको स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी एंड रसबेरी, ये तीनों मिल गया। तो अभी भूख लगा है और ये खाएंगे हम। ये है स्ट्रॉबेरी, इट्स यम्मी, बहुत ही टेस्टी है। जैसे आप जानते हो स्ट्रॉबेरी का जो सीड्स है वो बाहर की तरफ होता है, तो जब मैं खा रहा हूँ तब वो सीड्स को मैं बाइट्स कर रहा हूँ, उसका आवाज़ आ रहा है। ये रहा वो खासी का विलेज जो ट्रेकिंग के दौरान पड़ता है। हाय, दिस आर द किड्स इन दिस विलेज, दिस इज अ स्मॉल शॉप, छोटा सा एक शॉप है यहाँ पे। आई थिंक टी, फास्ट फूड, मैगीज वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ से। और ये देखिए एक डॉग, यहाँ भी जाता हूँ एक ऐसा ही डॉग्स वगैरह हमेशा मिल जाता है। तो ये खांसी विलेज से गुजरते हुए हम अभी जाएंगे नीचे की तरफ। ये जो जगह है ये क्या बताऊँ मैं आपको, वैली जैसा है, एकदम एंड पॉइंट के नज़दीक आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक नेचुरल स्विमिंग पूल। और ये है वाइट रोडोडेंड्रोन, एक रास्ता चल गया है, वो एक खांसी विलेज है। कितना सुंदर लग रहा है, जस्ट लाइक कश्मीर, यू नो।